नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश आए दिन किसी न किसी आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ताजा मामला बलिया के कोतवाली थाना क्षेत्र के निराला नगर का है, जहां अपराधियों ने लूट के बाद कांग्रेस नेत्री समेत दो महिलाओं की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। वहीं लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या के तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जबकि दो अन्य आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। आरोपियों के पास से लूट का सामान और 58,000 रुपए बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे उम्मीद है कि जो उनके आपस में बंटवारे में उनको मिला होगा कैश, वो भी हम लोग बरामद कर लेंगे। लेकिन जो ज्वेलरी और अन्य चीजें हैं वो बांट नहीं पाए थे, चूंकि उनको समय नहीं मिल पाया। तो एक ही जगह था वो, जहाँ से हम लोगों ने इसकी बरामदगी करी है। और इसमें तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक सलीम है, दूसरा एक महिला है जिसका उर्फियत गुड़िया नाम है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।